देखो अब अभी का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये है ओवर सब्सक्राइब से रिलेटेड। अभी ओवर सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट फिनिश नहीं हुआ। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है ये देखते हैं पहले एक बार। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है जैसे मान लो एक कंपनी, ये कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, और एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी ने डिसाइड किया, इस कंपनी ने सोचा कि मैं ऑफर करूंगा पब्लिक को, यानी इशूड करूंगा मैं पब्लिक को, और इसने डिसाइड किया कि मैं पब्लिक को 1,000 शेयर इशू करूंगा। कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं पब्लिक को 1,000 शेयर इशू करूंगा, और जो शेयर होगा वो 10 रुपए का एक होगा। 10 रुपए का कुछ उन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन बताया कि भाई 5 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, और 2 रुपए फाइनल कॉल बोल लो चाहे फर्स्ट कॉल बोल लो आप। तो ऑफर इशू 1,000 इक्विटी शेयर का करा इसने। अब ये मान लो पब्लिक है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इशू है हमारा 7 दिनों तक मैक्सिमम ओपन रह सकता है। तो पब्लिक को हम मना नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन देगा। मान लो ए, बी और सी तीन लोगों ने मिलके अप्लाई किया इस कंपनी में शेयर। इसने बोला कि मुझे चाहिए 500, ध्यान से मुझे आंसर देना इसका। इसने बोला कि मुझे चाहिए 400, इसने बोला कि मुझे भी चाहिए 500। यानी ए, बी और सी ने तीनों ने मिलके टोटल शेयर कंपनी से डिमांड कर दिया 1,400, लेकिन कंपनी के पास राइट्स है ही नहीं कि वो 1,400 इशू करे पब्लिक को। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इशू कर सकता है 1,000। अब कंपनी क्या करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपनी ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं इसको पूरा क्लियर मना कर दूं। कंपनी क्या चाहता है कि मैं हर किसी को वापस नहीं लौटाऊंगा और मैं कुछ ना कुछ शेयर दूंगा उसको। कंपनी ने डिसाइड किया कि देखो आपने 500 मांगे हैं, आपको तो मैं पूरे दे देता हूं। तो इसको 500 के हिसाब से इसने कितने एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे मुझे, 500 मल्टीप्लाई 3, 1,500। क्या इसे 1,500 रुपए पूरे का शेयर मिल गया? मिल गया। इसने 400 मांगा, इसको भी मैंने बोला आपको भी फुल दे देता हूं मैं। तो इसने कितने पैसे दिए होंगे, 400 × 3 1,200 रुपए। लास्ट वालों के साथ मैंने बोला कि आप सबसे लास्ट में आए हो इसलिए मैं एक काम करता हूं, आपको मैं 500 शेयर आप मांगते हो लेकिन मैं 500 नहीं दे सकता क्योंकि मैं 900 तो ऑलरेडी दे चुका हूं। तो बताओ मैं इसे कितना दे सकता हूं, यानी 500 शेयर में से इसको मैं 100 शेयर तो अलॉट कर रहा हूं, यानी इसके 400 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा हैं। इस बात को समझना, इसने टोटल पैसा कितना दिया होगा, टोटल पैसा इसने दिया होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 1,500, जिसमें से इसको मैंने 100 × 3 300 रुपए का तो इसको मैंने कैपिटल दे दिया है, लेकिन इसके पैसे मेरे पास 400 × 3 1,200 रुपए अभी भी पड़े हैं। जब इसके 1,200 पड़े मैंने बोला देखो मैं एक काम करता हूं, आपके 400 में से 200 के तो अभी पैसे आप वापसी ले लो। उसने बोले मेरे 1,200 रुपए रिटर्न करो मुझे। मैंने बोला आपके 1,200 रुपए रिटर्न करना है, मैं कर दूंगा आपके 1,200 रिटर्न, लेकिन पहले आप 200 × 3 यानी वापस ले लो 600 रुपए, 200 × 3। बाकी जो बच गए कितने इसके, 200 × 3 यानी 600 रुपए वापस बच गया। और भी मैंने बोला देखो आपसे अलॉटमेंट पे पता है मैं कितने मांगूंगा, 500 रुपए मांगूंगा या नहीं मांगूंगा, या फिर एक काम करता हूं थोड़ा और सिंपल बनाए तो 300 के पैसे इसको वापसी कर देते हैं, ठीक है ना। 300 × 3 900 रुपए इसके वापसी कर दिए, बचे कितने, 100 × 3 यानी मैंने बोला सी देखो आपने मांगे टोटल 500 शेयर थे,
लेकिन 500 में 100 को तो मैं दे रहा हूं, बचे 400, 400 में से 300 के अपने पैसे ले जाओ। सी ने बोला मेरे 100 शेयर के पैसे कहाँ गए? मैंने बोला 100 शेयर का देखो मैं क्या करता हूँ, अलॉटमेंट के टाइम पे फिर मैं आपसे पैसे मांगूंगा। सी ने बोला बिल्कुल, अलॉटमेंट मैंने इसको दिए कितने शेयर है 100, तो अलॉटमेंट के टाइम पे मैं इससे कितना मांगूंगा 100 मल्टीप्लाई 5, यानी कितना मांगूंगा मैं 500 रुपए मांगूंगा। तो अलॉटमेंट के जब 500 मांगूंगा तो आपके मेरे पास कितने पड़े हैं? सिर्फ 300 पड़े हैं, तो आप मुझे 500 के बजाय कितने दे देना? 200 रुपए दे देना। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजस्ट करना। यानी मैंने तीसरे कैटेगरी वाले बंदे के कुछ पैसे तो मैंने वापस कर दिए, यानी पार्ट हिस्सा रिफंडेड, और कुछ हिस्सा मैंने एडजस्ट कर लिया। कहां पे एडजस्ट कर लिया? अलॉटमेंट पे जाके। तो पार्टली जो भी था वो क्या हो गया हमारा? एडजस्टेड। कुछ हिस्सा आपका हो गया एडजस्टेड और कुछ हिस्सा आपका हो गया रिफंडेड। तो कॉन्सेप्ट मेरा यही है, व्हेन एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब, ये ओवर सब्सक्राइब होगा तो क्या होगा? एक्सेस एप्लीकेशन, यानी मेरे वाले क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन कितना था? 400। पार्टली एडजस्ट, बताओ एडजस्ट कितना हुआ? 100। एडजस्ट तो 100 ही हुआ ना, 300 वालों को मैंने क्या बोला कि मैं आपके पैसे, तो पार्टली एडजस्ट मतलब 100 एडजस्ट, पार्टली रिफंडेड, रिफंडेड कितने हैं? 300 है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो आप, इसके अंदर लास्ट के दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के तीसरा कॉन्सेप्ट बनाइए। कुछ हिस्सा हम उसको एडजस्ट करेंगे और कुछ हिस्से को रिफंड करेंगे। जब कभी भी मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, कंपनी जब भी किसी के पैसे लौटाता है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया जाता है, और जब कभी भी कंपनी किसी नाम का एडवांस रिसीव करता है तो भी क्रेडिट कर देता है। क्योंकि जब मैं एडवांस रिसीव करूंगा तो क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। और जब कभी भी मेरा लाइबिलिटी खत्म होगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से एक और एग्जाम्पल बनाता हूं, उसी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा। तो बस मेरा यह समझाना था कि ओवर सब्सक्राइब और रिफंड क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, देखो एग्जाम्पल ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है एक, इसमें मैंने क्या करा, एक व्यक्ति है और दूसरा पर्सन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 19% से अबव चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। दो पर्सन है, अब मैं थोड़ी और डिटेल दे दूं, कंपनी ने इश्यू किया था 10,000 शेयर एंड एप्लीकेशन रिसीव हुआ, एआर मतलब एप्लीकेशन रिसीव 11,000 शेयर। अब दो व्यक्ति है जिन्होंने के अप्लाई किए हैं। अप्लाई का मतलब क्या होता है बताओ? अप्लाई का मीनिंग मांगना। कौन मांग रहा है? कंपनी मांग रहा है, शेयर होल्डर मांग रहा है? शेयर होल्डर, यानी इट मींस आप मांग रहे हो कि मुझे शेयर दो। और अलॉटेड का मतलब कंपनी ने आपको बोला, आप मांग रहे हो 10 शेयर, कंपनी ने बोला 2 दे रहा हूं, तो अप्लाई है 10 और अलॉटेड है, यानी जितना कंपनी आपको दे दे उसको क्या बोलेंगे? अलॉटेड। तो सबसे पहले इसने बोला भाई मुझे तो 10,500 शेयर दे दो, कंपनी ने बोला 10,500 तो मैं दे ही नहीं सकता, मैं कितना दूंगा आपको? तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? अप्लाई 10,500 एंड अलॉटेड 10,000। इसने बोले मुझे भी 500 शेयर दे दो, कंपनी ने बोला जी आपको 500 शेयर तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी थे सारे क्या हो गए, वो पहले ही मैंने इशू कर दिए। यानी देखो अलॉटेड कितना हो गया टोटल, कंपनी ने इशू कितना किया था 10,000, अलॉटेड भी कितना रहा 10,000, एप्लीकेशन रिसीव कितने का हो गया 11,000। तो इसको हम बोलते हैं कैटेगरी। जैसे मैं इसका नाम दे दूं कैटेगरी 1 और इसका नाम कैटेगरी 2, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कैटेगरी वाले होंगे। इसके अंदर आपको सबसे पहले अप्लाई अलॉटेड, बच्चा लास्ट तक कंफ्यूज रहता है सर अप्लाई का मतलब, अप्लाई का मतलब जो पब्लिक ने अप्लाई किया है, अलॉटेड का मतलब जो कंपनी ने दिया है, और अप्लाई को हम एप्लीकेंट भी बोलते हैं, अप्लाई को एप्लीकेंट भी बोलेंगे, और अलॉटेड को हम होल्डर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसके पास होल्ड कर रहा है इतने शेयर। अब मैं इसके अंदर देखो जर्नल एंट्री कर रहा हूं, जर्नल एंट्री में सबसे पहले पहली एंट्री, आप सबने बोला कि मुझे शेयर चाहिए, सबने मुझे एप्लीकेशन दिया, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप सबने मुझे एप्लीकेशन दिया
11,000 शेयर का सब मिलाकर, और मैं डिटेल यहां पे लिख रहा हूं, ₹10 के शेयर की डिटेल मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं यहां पे, ₹3, ₹5 और ₹2। तो आप सबने मिलके कितने एप्लीकेशन लगाए? 11,000। तो एप्लीकेशन के साथ आपने चेक भी लगाया होगा, चेक कितने का लगाया होगा? ₹3, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना है, कहां गया एप्लीकेशन, ये रहा ₹3। ₹3 लगाए होंगे तो मुझे कितने पैसे दिए होंगे? ₹33,000 मल्टीप्लाई बाय 3। और किस चीज के पैसे दिए? टू शेयर। इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी बोल सकते हो आप, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अगले बार मैं एंट्री करूंगा, सबसे मेन एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल 33,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं तो 10,000 से ज्यादा का कैपिटल आपको दे ही नहीं सकता, मतलब ₹3 के हिसाब से ₹30,000। किसी को इसमें डाउट? अब इसके पैसे को रिफंड नहीं करूंगा मैं, इसके पैसे को रिफंड नहीं करूंगा, इसके पैसे को मैं एडजस्ट करूंगा, इसके पैसे को रिफंड करूंगा। इसके पैसे को क्यों नहीं एडजस्ट किया जा सकता? चलो मैंने, आप में से किसी ने मुझसे बोला 500 शेयर दो, मैंने बोला नहीं मिल रहा, जाओ। उसके बाद बोले चलो मेरे पैसे वापस दे दो, मैंने बोला अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। तो क्या ये हो सकता है पॉसिबल? जब मैंने आपको शेयर ही नहीं दिया तो अलॉटमेंट पे कौन से एडजस्ट? जब दूंगा तभी तो मैं बोल सकता हूं कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो इस वाले बंदे का हर हाल में पैसे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। किसी भी ये, मतलब इसका तो कंफर्म है वापस करना ही करना पड़ेगा। इस वाले का वापस नहीं करूंगा, इसका क्या करूंगा? एडजस्ट। तो जिसका वापस करना पड़ेगा तो कैसे? जैसे लिया था वैसे ही वापस करो इसको, बैंक अकाउंट करके। कितने शेयर? 1500। और जो एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट का मतलब भाई एप्लीकेशन पे दे रहे हो तो मैं बोल रहा हूं एडजस्ट कहां के लिए होगा? अलॉटमेंट। तो एडवांस ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर एडजस्ट कर लूं मैं? ₹1500। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग, अब देखो दोनों एंट्री से एंट्री में कोई डाउट? ये टू बैंक क्यों हुआ? ये किसका टू बैंक है? इस वाले का है, ए का या बी का? ए का है। और एडवांस किसका है? बी का। ठीक है, अगली एंट्री क्या करेंगे शेयर अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने? 10,000 से ही होना है, और मल्टीप्लाई अलॉटमेंट ₹5 का है, 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लो ये भी आ गया 50,000। बीइंग क्या होगा इसका? शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब लेना अभी बाकी है। मुझे 50,000 मिलना है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो कि बोल सकता है कि भाई मैंने पहले दिए थे अब थोड़े कम दूंगा? कौन है? बी। कितने कम देने को तैयार होगा ये? ₹1500। यानी जब मैं बैंक में रिसीव करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि बैंक में कितना पैसा मिल जाएगा मुझे? मुझे तो लगता है कि 50 मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन एक ये बोलेगा भाई मैं 50 क्यों दूं, मैं ₹1500 जो मैंने एडवांस दिया था उसका क्या? मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1500 माइनस कर देते हैं, यानी कितना पैसा मिलेगा? 48,500 बैंक में आ गया। यहां पे एडवांस ऑन अलॉटमेंट पता है क्यों किया मैंने? क्रेडिट लाइबिलिटी है। अब इसके बाद भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी रहेगा या कट गया इसका लाइबिलिटी? कट गया, एडजस्ट हो गया, तो मैं डेबिट कर दूंगा
एडवांस ऑन अलॉटमेंट डेबिट 1500 और टू शेयर अलॉटमेंट पूरे 50,000। अब इस एंट्री को समझना, एक और पॉइंट बताऊंगा मैं यहां पे, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। कई बार एग्जामिनर बोलता है ओपन अलॉटमेंट एडवांस अकाउंट, ओपन अलॉटमेंट एडवांस अकाउंट। अकाउंट नाम सुनते ही बच्चा क्या करता है, बस उसको कुछ नहीं सोचना, सीधा अकाउंट बना लेगा। ओपन एडवांस अलॉटमेंट अकाउंट का मतलब होता है जब हम जर्नल एंट्री में इसको शो कर देते हैं यहां पे, तो इसका लेजर बनना कंफर्म है, क्योंकि जर्नल किया है तो बिना लेजर तो हो ही नहीं सकता काम। तो हमें ये अकाउंट बना के नहीं दिखाना, जो यहां पे मैंने एडवांस ऑन अलॉटमेंट लिखा है इसी का मतलब है कि अकाउंट हमारा ओपन हो गया, हमें कुछ नहीं करना। जो मैं एंट्री करवा रहा हूं, अगर इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन में बोल देता है नीचे कि ऑल्सो ओपन अलॉटमेंट एडवांस अकाउंट, तो जी मैं तो हमेशा अलॉटमेंट एडवांस अकाउंट ओपन करके चलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन ने बोला या नहीं बोला। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो फटाफट से एक आपका कॉलम बना लेते हैं और अकाउंट सोचते हैं इसको और लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, वहां गलत माना जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि आप एडवांस अलॉटमेंट अकाउंट को ओपन मत करो, ओपन मत करो। अब देखो कैसे होगा, मैं इसके साइड में कर रहा हूं, और ओपन मत करो तो पता है मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 48,500 और टू शेयर अलॉटमेंट 48,000 फिनिश एंट्री, यानी एडवांस वाली एंट्री नहीं दिखाऊंगा मैं। अगर मैं बोलता हूं, क्योंकि यहीं पे से बस मैंने 1500 ही तो हटाया है, अगर बोलता है ओपन तो मैं ओपन करके, हमेशा हम जब भी काम करेंगे ओपन करके एंट्री करेंगे, इससे हमारा एरर होने के चांसेस कम नहीं है। विदाउट ओपनिंग में ये ज्यादातर आप बुक के अंदर देखोगे, ज्यादातर टीचर क्या करवाते हैं, ये एंट्री को फॉलो करते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि वो आसान थोड़ा लगता है, बैंक में इतने पैसा है टू अलॉटमेंट। लेकिन मैं जो करवाऊंगा वो इस तरीके से कराऊंगा, ऐसे कर दो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, आप एग्जाम में ऐसे करो 100% ठीक है, आप एग्जाम में जाके ऐसे करो 100% ठीक है। दोनों में से ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है या ये गलत है, ये दोनों सही है। लेकिन मेरा मानना है कि मैं डिटेल में करूंगा तभी पता चलेगा कि सारी एंट्री के अंदर हमें विजुलाइज होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि आगे चल के और भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐड होगा, तो उस टाइम पे ये मेरा हेल्प करेगा ये अकाउंट, उस टाइम पे मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे उस टाइम पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस ये बेनिफिट होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए, ओपन एडवांस अकाउंट तो इसका मतलब आपका सिंपल जो एंट्री में दिखाया है ओपन हो गया, कोई अलग से हमें कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। विदाउट ओपनिंग में डायरेक्ट करोगे, वैसे विदाउट ओपनिंग कभी नहीं बोलता, ओपन ही बोलता है एग्जामिनर हमेशा। कुछ ना बोला हो तो ऐसे करो चाहे ऐसे, मैं इस एंट्री को प्रेफर नहीं करूंगा, इसी तरीके से करेंगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे। अब अगली एंट्री कौन सा करने वाले बता सकते हो, फाइनल कॉल एंट्री होगा शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, ना इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं बीइंग इसका आप लिखोगे, मैं नहीं लिखने वाला इसका, इसका बीइंग क्या होगा बोलो, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। इसके बाद नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो 1500 एडवांस क्या हुआ, अरे वो 1500 खत्म हो गया, बार बार थोड़ी चलता रहेगा वही 1500, वो तो अलॉटमेंट पे ही खत्म हो गया उसका, यहां पे उस एडवांस का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन का समरी लिख रहा हूं, आप भी समरी नोट करना। क्वेश्चन में है कि एक बंदा था, एक कंपनी था एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसने इशू किए थे 10,000 लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गए 11,000, जिसमें कुछ बंदों ने अप्लाई, एक बंदे ने अप्लाई किया था 10,500 उसको मिला सिर्फ और सिर्फ 10,000, और जिसने 500 अप्लाई किया था उसे मिला निल। इसको हम बोलते हैं कैटेगरी, मैं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी ए कैटेगरी बी कुछ भी बोल सकता हूं मैं इसको। इसके बाद जिसके पैसे निल हो गए उसके तो मैंने बैंक से क्या कर दिया रिफंड, जिसके रिफंड नहीं किए उसके कर दिए
एडजस्ट, और अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने कम पैसा रिसीव कर लिया। तो कुछ बच्चे लास्ट क्लास में एबसेंट थे, तो मैंने एक बार इसका एंट्री करवाया था आपको, एक बार इसका, बस बस वो मैं बता दूंगा किस तरीके से था, बाकी मेन एंट्री ये है आपका, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में इसको छुड़वा दिया था। अब फटाफट से नोट करो, फिर इसके आगे चलते हैं। देखो आप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉल सिनेरियर। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, कॉल सिनेरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने पहले भी बताया कॉल सिनेरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉल सिनेरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा 10%। अगर सिर्फ आप एग्जाम में लिख के आते हो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर, अगर आप सिर्फ लिख के आते हो 10%, तो मार्क्स 1 नहीं मिलेंगे आपको, हाफ मार्क्स मिलने वाला है आपको। वहां पे लिखना पड़ेगा एज पर टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर इज 10% पर एनम, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, टेबल एफ जरूर मेंशन करना है आपको। अब आगे देखते हैं कॉल सिनेरियर क्या होता है। एग्जांपल देखो, कॉल सिनेरियर का मतलब खुद ही समझ में आएगा। मान लो 10 रुपए का शेयर है मेरा और मैंने इसका कैटेगरी करा हुआ है 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। इस वाले का नाम मैं दूंगा एप्लीकेशन, इस वाले का नाम दूंगा अलॉटमेंट और इस वाले का नाम दूंगा फाइनल। इसको फर्स्ट कॉल भी बोल सकते हैं। अब हुआ ये, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने जो इस टॉपिक को समझता जाएगा, इसके बाद होगा मेन इसमें स्टार्ट, इस टॉपिक को जो समझता जाएगा वो तो आगे इस चैप्टर में बना रहेगा, जिसने थोड़ा सा भी लापरवाही करा इस टॉपिक में तो वो भूल जाएगी ये चैप्टर आने वाला है उसको। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड किया इसने 10,000 शेयर, मान लो 10,000 शेयर जब इसने इशू किया, एंड एप्लीकेशन रिसीव भी 10,000 ही है। अभी तो मैं सिंपल वाला बता रहा हूं आपको, एप्लीकेशन रिसीव भी क्या है 10,000, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसने एक शेयर मांगा उसको एक मिला होगा, जिसने 100 मांगे होंगे उसको 100 मिल गया होगा, क्योंकि यहां पे अप्लाई और अलॉटेड क्या है, बिल्कुल सेम। एक शेयर होल्डर था मिस्टर राम, 1 शेयर होल्डर मिस्टर राम हु होल्ड 1,000 शेयर। अब होल्ड का मतलब है जिसको मिला था 1,000 शेयर। अगर मैं यहां पे लिखता हु अप्लाई 1,000 शेयर तो मीनिंग चेंज हो जाता, जिसने मांगे थे 1,000 शेयर। हु होल्ड 1,000 शेयर फेल टू पे का मतलब है वो पैसे नहीं दे पा रहा, देने से मना कर दिया, फेल टू पे फाइनल कॉल, यानी वो फाइनल कॉल पे जैसे पहुंचा, यानी एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही होगा राम ने, अलॉटमेंट के टाइम पे भी इजीली इसने पैसा दिया होगा, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन फाइनल कॉल पे पहुंचा था, उसने बोला मेरे पास अब पैसे। तो आप सोचो फाइनल कॉल पे मेरे पास टोटल पैसा कितना आना था, 10,000 × 2, 20,000, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति पैसा नहीं देगा, कितने पैसे नहीं देगा, 1,000 × 2,000, यानी फाइनल कॉल पे बैंक में कितना पैसा आ रहा होगा, 18,000 रुपए से बैंक में पैसा आएगा। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, 10,000 × 50,000। देखो मैं एंट्री करके दिखाता हूं इसका एंट्री क्या है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग मैं नहीं लिख रहा यहां पे, तो आ जाएगा आपका 50,000। कैसे आया 50,000, ये देखो 10,000 × 5, 5 क्या है हमारा एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000
इंटू में 5 50,000। देखो आप 10,000 इंटू बैंक में पैसा आ गया 50 और यहां पे भी पैसा आ गया 50। यहां पे कोई चेंज नहीं है, एडवांस वगैरह वाले में वापस करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था, ये मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है। अब शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी कोई समस्या नहीं आने वाली। 10,000 मल्टीप्लाई 3 30,000, इसके बाद बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पूरे पैसे आएंगे। यहां पे वो मना नहीं कर रहा राम, राम ने यहां पे तो दिए ही है पैसे। दस हजार मल्टीप्लाई बताओ 3। अब यहां पे चेंज आएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना पैसा आने वाला है? आने वाला है मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई 2, मुझे उम्मीद है कि मुझे 20,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और किस चीज के? टू इक्विटी शेयर कैपिटल के 20,000। इसका बीइंग लिख देता हूं, बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। इसके बाद अब बैंक में जो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट, मैंने ये सोचा था सब पैसे दे देंगे, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो पैसे नहीं दे रहा, राम। कितने पैसे नहीं दे रहा? 1,000 मल्टीप्लाई 2। 1,000 मल्टीप्लाई 2 क्यों करा? क्योंकि राम के पास है 1,000 शेयर और फेल हो रहा है ये वाला देने में, तो 2 इंटू करके तो 2,000 नहीं देगा, तो बैंक में पैसा आएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है ओपन अ कॉल सिनेरियर अकाउंट, तो ठीक है। अब कॉल सिनेरियर बताओ, मुझे राम से पैसे लेने या देने हैं? लेने तो मेरे लिए एसेट से लाइबिलिटी है, तो डेबिट होना चाहिए। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 टू शेयर फाइनल कॉल टोटल। बीइंग में चेंजेस कुछ नहीं होने वाला, बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अगर बोलता विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट एंट्री करो, तो मैं क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल और 18,000 एरियर वाली एंट्री को मैं शो ही नहीं करता। ठीक है, अब इसके अंदर से पार्ट फर्स्ट कर देना, केस वन कर देना इसको। इसके अंदर 6-7 केसेस करेंगे, तो केस वन जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल कुछ भी नहीं था, एक बंदा देने से मना कर रहा है, लिखो केस वन और फिर ये नोट करो। अब अगला कॉन्सेप्ट अभी भी कॉल सिनेरियर का है। मेन अगर मैं बात करूं तो आपका कॉल सिनेरियर का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर कॉल सिनेरियर आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आने वाले क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाला। मेन कॉन्सेप्ट कॉल सिनेरियर का रहेगा। अब मैं आज दो टाइप के कॉल सिनेरियर बताऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने बेसिक थोड़ा बता दिया था, ये कॉल सिनेरियर है इस तरीके से। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको उससे थोड़ा अलग। लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन कॉल सिनेरियर के करे हमने, उस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 1% फेल हो रहा था। आज 2% फेल होगा तो कैसे एंट्री करेंगे वो देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले मान लेते हैं हम एक्स वाई जेड लिमिटेड, यहां पे इशूड किया इसने 10,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन रिसीव है 10,000 इक्विटी शेयर,
टेबल जो था उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है, 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए। 2 रुपए ये फेस वैल्यू है हमारा। 2 रुपए की बात करूं तो इसको नाम देते हैं शेयर एप्लीकेशन, और इसको हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट, और इसको बोलते हैं शेयर फाइनल कॉल। मैंने यहां बताया कि इशू किए मैंने कितने शेयर, 10,000, एंड एप्लीकेशन रिसीव भी 10,000 है। मिस्टर राम एक पर्सन था, मिस्टर राम जिसके पास 500 शेयर था, उसने यहां पे पैसा नहीं दिया, और उसने अगर यहां अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब अगर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू बोले या ना बोले, अजम्पशन रहेगा कि उसने यहां भी पैसे नहीं दिए होंगे। अगर वो इससे पहले वाले कॉल पे कहीं भी फेल होता है, तो अजम्पशन होता है कि वो आने वाले लगातार जितने भी कॉल्स होगा सब पे फेल ही होगा वो। मिस्टर मोहन जो कि फाइनल कॉल जिसके पास 200 शेयर थे, वो देने में फेल हो गया। अब एंट्री देखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव 10,000 से है, मल्टीप्लाई दस हजार मल्टीप्लाई टू 20,000। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने इसमें, 20,000, 20,000। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है, 3 से 30,000। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बैंक में पैसा आएगा, और ध्यान से देखा जाए तो 30,000 आना था मेरे बैंक में, लेकिन एक पर्सन राम जिसके पैसे नहीं आएंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी मेरे बैंक में पैसा आएगा। अलॉटमेंट एरियर 1,500 रुपए, कैसे आया एरियर, 500 मल्टीप्लाई 3, और टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। अगली एंट्री शेयर फाइनल कॉल की करेंगे। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000 रुपये मेरे पास फाइनल कॉल में आना चाहिए, लेकिन फिर से जब बैंक में रिसीव करेंगे तो बैंक में मुझे 50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से टोटल कितने शेयर के पैसे नहीं आए, 700, यानी 700 मल्टीप्लाई बाय 3,500 रुपये बैंक में नहीं आने वाला। इसका मतलब 50,000 में से अगर मैं 3,500 को माइनस कर दूं, 46, और यहां कॉल सिनेरियर 3,500, और टू शेयर फाइनल कॉल 50,000। ये देखो, यानी अगर कोई पर्सन फेल हो रहा है,
तो फेल होने पे होता क्या है वो, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया मैंने कि अगर मैं आपको कहीं भी फेल का उसका डिटेल दूं, आगे के बारे में उसके बारे में नहीं बताता, तो ये अजम्पशन लेना कि कंटिन्यू फेल हो रहा है। मान लो अगर कोई एक और पर्सन फेल हो गया किसी और कॉल पे जाके, पर्सन फेल हो गया किसी और कॉल पे जाके, तो वहां पे टोटल फेलियर क्या होगा, पहले वाला जो फेलियर था वो तो कंटिन्यू आएगा आगे, और जो उस कॉल पे हुआ वो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे उस टाइम पे, दोनों क्या होगा उस टाइम पे ऐड हो जाएगा, और टोटल कॉल्स इन एरियर उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने कितने एक सिंगल फेलियर का करवाया है, अभी दो फेलियर हो गया तो कैसे करना है ये देखो, इसका हम करेंगे फिर केस नंबर टू जब दो फेल होगा। ये केस नंबर वन है, सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑथराइज विद, एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑथराइज विद 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज ईच, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड ऑफर टू पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर पेबल एज टू ऑन एप्लीकेशन, थ्री ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, एप्लीकेशन रिसीव बाय कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर मिस्टर राम हु अप्लाई 500 शेयर, 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड अनदर शेयर होल्डर, एंड अनदर शेयर होल्डर मिस्टर मोहन हु होल्ड 200 इक्विटी शेयर, 200 इक्विटी शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो मैंने अभी क्वेश्चन भी लिखवा दिया, क्वेश्चन का समरी क्या है, इशू किया 10,000, एप्लीकेशन रिसीव 10,000, और ये मैंने बताया यहां 500 फेलियर हुआ तो ऑटोमेटिक ये यहां चला गया और एक बंदा यहां फेलियर हुआ, इसका सोल्यूशन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, बताओ, क्योंकि 10,000 वालों को कितना मिल रहा है, कोई डाउट ये है इनका कि उसने अप्लाई किया है, उसे मिला या नहीं मिला ये तो पता ही नहीं है। जब मेरे पास एप्लीकेशन 10,000 का आया और मैं ऑफर भी 10,000 का कर रहा हूं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होगा, ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं बचा होगा जिसको शेयर ना मिला हो, सबको पूरे ही पूरे मिले होंगे। डाउट क्लियर? और बताओ किसी का कोई डाउट, एंट्री में किसी का कोई डाउट, फटाफट से 2 मिनट में नोट करिए एंट्री है। कॉल सिनेरियर, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट किया था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो ये वाला और उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बात करूं तो 60% लगभग लगभग स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। दोनों कॉन्सेप्ट बताने का मतलब यही है, अगर मैं आपको
बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखो एक बार समरी बना देता हूं मैं। समरी में यह है कि कंपनी ने इशूड 10,000 इक्विटी शेयर किए हैं एंड एप्लीकेशन रिसीव भी 10,000 इक्विटी शेयर है। 10 रुपए का एप्लीकेशन था, सॉरी 10 रुपए का फेस वैल्यू, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑथराइज विद 1 लाख इक्विटी शेयर। तो आपको पता है कि ऑथराइज कैपिटल से कुछ नहीं करना हमें। इसके बाद आगे मैंने कंटिन्यू में क्या लिखा है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर ऑफर टू पब्लिक, पब्लिक को दिया, यानी इसी से सारा काम होगा हमारा। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, मैंने बोला कि मैं 10,000 इक्विटी शेयर बेचूंगा और एक होगा हमारा 10 रुपए का। एंड पेबल, पेबल करना है 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, बैलेंस ऑन फाइनल। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, 2 और 6 8, तो बच गए हमारे 2 10। एप्लीकेशन रिसीव 10,000, यानी सेम इशू भी सेम था और एप्लीकेशन रिसीव भी क्या हमारा सेम अमाउंट से। ऑल मनी रिसीव, सारे के सारे पैसे मिल गए अलॉटमेंट पे, लेकिन एक्सेप्ट 500। यहां पे कौन था उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन यहां पे 500 शेयर के पैसे नहीं आए। इसके बाद कहता है एक्सेप्ट 500 शेयर का मतलब इस शेयर होल्डर को छोड़कर। एंड ऑल मनी रिसीव 700 शेयर ऑन फाइनल कॉल गिव, कहता है सारे पैसे मिल गए फाइनल कॉल पे, लेकिन एक और व्यक्ति पैसे नहीं देके गया, 700। अब 700 में कंफ्यूजन ये रहता है कि इस 700 में पिछला 500 जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो जब कभी भी आपका नेम मेंशन नहीं होगा तो हमेशा जुड़ा हुआ होगा। मैं एक और एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी। इसका मतलब यहां पे 200 तो पुराने वाला होगा और सॉरी 500 तो ओल्ड होगा और न्यू वाले शेयर होल्डर जो फेलियर हुआ है वो सिर्फ 200 है। अब जर्नल एंट्री बस यहां तक, अगर ये समझ में, ये डिसाइड कर लिया बच्चों ने कि ये, कुछ बच्चे अगर सोचते, कई बच्चे एरर क्या करते हैं वो बताता हूं, वो 1200 रुपए ले लेते हैं जहां से उनका गलत हो जाता है। एंट्री अगर मैं यहां पे करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई 2 अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग नहीं लिख रहा मैं, सबका बीइंग पहले जो मैंने करवाया वही रहेगा 20,000। इसके बाद बैंक में शेयर अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर है, 6 रुपए के हिसाब से 60,000। अगली एंट्री बैंक में मुझे उम्मीद है कि 60,000 मिलना है, लेकिन उसमें से 500 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 57। अलॉटमेंट एरियर 3000 टू शेयर 60,000। अगली एंट्री फाइनल कॉल शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अमाउंट क्या आने वाला है, 10,000 मल्टीप्लाई 2 20,000 रुपए। बैंक में उम्मीद है कि मुझे 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे टोटल 700 शेयर होल्डर इंटू में 2 1400 शेयर होल्डर, 1400 रुपए नहीं आएंगे 20,000 में से। कॉल सिनेरियर 2 शेयर फाइनल कॉल 20,000।
अब फटाफट देखिए, जिस जिसका कोई भी डाउट हो फटाफट पूछो, फिर मैं तीसरा एग्जाम्पल लू। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल देखें, कर लिया नोट सबने? देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन मैंने चेंज किया गया, ऑल मनी रिसीव, यहां से थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूं यहां। ऑन अलॉटमेंट, एक्सेप्ट $500 शेयर, होल्ड बाय मिस्टर राम एंड ऑन फाइनल कॉल ऑल अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट $300 शेयर या एक्सेप्ट $600 शेयर बाय मिस्टर सोहन। अब वही आगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी जो क्वेश्चन किया था उस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? यहां पे जो फेलियर है वो तो 500 है और यहां पे जो फेलियर है, यहां पे टोटल 600 बताया हुआ है, लेकिन यहां 500 तो राम का होगा और 600 रुपए सोहन का डिफरेंस। देखो ये कई स्टूडेंट इसको सोचते हैं सिंपल सा है, लेकिन सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक है। पहले वाले में भी तो सेम ही क्वेश्चन था लगभग, तो पहले वाले में इंक्लूडेड था, इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि यहां अलग अलग व्यक्ति है। आपको पता है एक व्यक्ति 500 शेयर फेल हो रहा है तो वो फाइनल पे भी 500 का ही होगा, और एक व्यक्ति फाइनल कॉल पे 600 देने में फेल हो रहा होगा, तो इसका मतलब 500 तो पिछले वाला और 600 ये। तो ऐसा पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर बोल रहा था सिर्फ 500 शेयर होल्डर फेल है और 700 शेयर होल्डर फेल था, तो 700 शेयर होल्डर में ये तो नहीं बताया कि राम के इतने या मोहन के इतने, तो यहां पे अजम्पशन रहता है कि 700 में पिछला 500 जुड़ा हुआ होगा। अब इसका जनरल एंट्री तो आपका इजीली हो सकता है। तो आज कॉल सिनेरियर में हमने देखा जब दो व्यक्ति फेल होगा तो नेम जब होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर एक कॉल पे फेल होगा तो कंटिन्यू लगातार वो फेल होता जाएगा, क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे या ना दे। और दूसरा कॉन्सेप्ट देखा हमने, जब नेम दे रखा हो तो अगर एक जगह पे एक व्यक्ति फेल होता है और दूसरी जगह पे दूसरा व्यक्ति फेल होता है तो दूसरी जगह पे पिछला व्यक्ति भी आके जुड़ जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट वाला देखा हमने। एक्सेप्ट वाले में क्या होता है, जब एक जगह पे आपको नंबर ऑफ शेयर फेल दे रखा है, उसके अगले जगह पे नंबर ऑफ शेयर फेल दे रखा है, तो पिछला वाला अगले वाले में टोटल में जुड़ा हुआ होगा, ये अजम्पशन लेके चलेंगे। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में मैं फाइनल कॉल का अमाउंट अगर मैं कम कर दूं, 500 की जगह पे अगर मान लो मैं नेम को भी मिटा देता हूं, 500 की जगह पे 300 कर दूं, तो अजम्पशन रहेगा कि 500 अलॉटमेंट वाला फेल है और 300 फाइनल कॉल वाला न्यू फेल है, टोटल 800 है। सिंपल बात अगर मैं बताऊं आपको कि अगर मैं बोलता हूं कि ऑल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन अलॉटमेंट 500 शेयर, इसका मतलब अलॉटमेंट पे 500 शेयर के पैसे नहीं आए, एंड ऑल मनी रिसीव ऑन फाइनल कॉल एक्सेप्ट 300 शेयर, इसका मतलब फाइनल कॉल पे टोटल 800 शेयर होल्डर फेलियर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो अलॉटमेंट पे तो 500 फेल हो ही रहा है, फाइनल कॉल पे 300 हो रहा है, इसका मतलब इसका जोड़ के नहीं दे रखा उसने। जब ज्यादा हो ना वहां पे तो अजम्पशन लेते हैं कि जुड़ा हुआ है,
जब ज्यादा नहीं होगा तो अजम्पशन रहता है कि भाई नहीं जोड़ा होगा इसने, नाम दे रखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अलग अलग व्यक्ति है तो अलग अलग फेलियर होगा। तो एक बार फटाफट ये क्वेश्चन अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट करिए, इसके बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट फिर।